हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजेंद्र। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं एक गैजेट जिसका नाम है गिम्बल, और इस गिम्बल का नाम है जायुन स्मूथ Q3। तो मैंने बहुत रिसर्च करके ये जायुन स्मूथ Q3 परचेज किया, और मैं इसको परचेज करने के बाद कुछ देर तक यूज भी किया हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका थोड़ा एक छोटा सा अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैं अनबॉक्स कर दिया था। तो आपके लिए इस बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है दिखाने के लिए मैं और एक बार इसको अनबॉक्सिंग करूंगा। और इस वीडियो बनाने का मेरा पहला मकसद है कि आपके पास अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन है और उसका साइज थोड़ा बड़ा है, मीन्स 6.7 इंचेस का आपका मोबाइल है स्क्रीन साइज, तो इसके साथ ये जो गिम्बल है उसका कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन है और आप इसका जो ऐप है GUI केमी ऐप, वो अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप स्टॉक कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल का स्टॉक कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या फंक्शंस देखने के लिए मिलेगा और नहीं मिलेगा। अगर आप इसका जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको क्या क्या कंपैटिबिलिटी रहेगा, क्या क्या मतलब फैसिलिटीज रहेगा, फीचर्स रहेगा, वो डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको अभी मैं खोलता हूँ और इसका अनबॉक्सिंग मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये है आपका बॉक्स कंटेंट, ये इसके ऊपर रैप किया गया था पॉलीथिन का, जो मैं इसको निकाल दिया था। और इसके ऊपर आपका 2 ईयर्स का जो वारंटी है, मतलब वो जीवन इंडिया की तरफ से ये 2 ईयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी है, जो आप इसको स्कैन करके इसका वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं। और ये है आपका मेन बॉक्स कंटेंट। पहला ये हम देखते हैं, ये एक ट्राइपॉड है जिसके ऊपर जीवन का ब्रांडिंग है 3 लेग्स के ऊपर, और ये थोड़ा लाइट ग्रे कलर का है, और इसका जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। और ये एक 1/4 इंचेस का एक स्क्रू है, जो कि क्या काम है मैं बाद में बताऊंगा। और सेकेंडली ये एक मैनुअल है जिसमें बहुत कुछ लिखा है चाइनीज में, जापनीज में, इंग्लिश में, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये एक है जो चार्जिंग केबल, टाइप सी चार्जिंग केबल, ये इसको भी साइड में रखते हैं। और मेन आते हैं इसके अभी गिम्बल के ऊपर, ये है वो गिम्बल। वेट इतना ज़्यादा नहीं है, 300 ग्राम्स या 400 ग्राम्स के अराउंड होगा आई थिंक। और इसका जो कलर है ये भी वो लाइट ग्रे कलर है। और इधर आप देख रहे हैं फिजिकली, ये मोड स्विच है, और ये एक शटर बटन है, ये जॉयस्टिक है, और ये साइड में जूम रॉकर से, और पीछे इसका पावर ऑन ऑफ के लिए इधर एक बटन है, और इधर ये जो बटन है इसको हम बोलते हैं ट्रिगर बटन, और इसका भी बहुत सारा फंक्शन है। तो ये जो मेन गिम्बल है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको पहले ये गिम्बल लेने के बाद क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इधर देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, इधर ये साइड में, ये साइड में एक लॉक टाइप का है, जो कि क्या होता है ना, जब पहले आप इसको खरीदते हैं ना, तो ये क्या होता है कि इसके साथ ऐसा लॉक रहता है, ये ऐसा लॉक, ये साउंड आया ना, ऐसा लॉक हो जाता है। तो आपको अगर पता नहीं है कि इधर से लॉक है तो ये काम नहीं करेगा, तो आपको लगेगा कि ये खराब है शायद। तो पहले आपको इस मोटर को ऐसे अनलॉक करना है, और दूसरा भी लॉक इधर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला साइड में इधर ये लॉक हो जाता है, इसको भी आपको अनलॉक करना है। और थर्डली आपको क्या करना है, ये जो एक स्क्रू है इसको आपको अनस्क्रू करना है, पूरा अनस्क्रू करना है, ज़्यादा करेंगे तो ये पूरा निकल भी जाता है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, थोड़ा करके क्या कर? पहले तो ये इस स्टेज पे रहता है, नॉर्मली इस स्टेज पे रहता है, वो कॉम्पैक्ट स्टेज में रहता है, और ये फुल स्क्रूड रहता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा इसको लूज करना है, लूज करने के बाद आप इसको ऐसे स्लाइड करके इसको ऐसे कनेक्ट करना है, क्योंकि आप इधर देख पा रहे हैं इधर कुछ कनेक्टर्स है, ये साइड में आप देख रहे होंगे कुछ कनेक्टर्स है, तो आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, वो प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। तो जब आप गिम्बल लेते हैं और पहली बार यूज़ करते हैं, तो ये 3 चीज़ पहले कंफर्म कर लेना है। और ये जो ट्राइपॉड है इसको हम इधर कनेक्ट करेंगे, इधर, इससे क्या होगा कि ओवरऑल इसका लेंथ भी बढ़ेगा, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इधर ऐसे भी हम इसको ऐसे रख सकते हैं हमारे यूसेज के हिसाब से। दोस्तों, ये है वो गिम्बल। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो फ़ोन है सैमसंग का, इसके साथ मैं इसको फिट करूँगा, मतलब कनेक्ट करूँगा, और आपको दिखाऊँगा पहले विदाउट ऐप जो इसका स्टॉक कैमरा है, इसके साथ ये कैसा बिहेव करता है,
और उसके बाद दिखाऊंगा इन दिस ऐप ऐप के अंदर जाके इसका क्या क्या फंक्शंस है और नहीं है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, अगर ये लाइट कंडीशन में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर एक रेड कलर का एरो मार्क है, तो ये बोल रहा है कि आपका जो मोबाइल कैमरा है इस डायरेक्शन में रहेगा। आपको थोड़ा इसको मैन्युअली बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि DJI में क्या था, मैग्नेट था। एक बार आप उसको बैलेंस करके आपके मोबाइल के अंदर उसको होल्डर को लगा देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको जस्ट उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा तो मैग्नेट उसको अटैच हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है तो आपको हर बार इसको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। तो आपको एक बार मैन्युअली सेट करके ऐसे आपको मतलब श्योर करना है कि आपका जो कैमरा है ये इस साइड में है, और क्योंकि ये आपको बता रहा है कि कैमरा आपका किस साइड में रहना चाहिए, तो थोड़ा आपको ये मैन्युअली इसको बैलेंस करके इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अभी ये ऑफ कंडीशन में है तो अभी इसको हम पावर ऑन करते हैं। तो ये जो स्विच है ये पावर ऑन स्विच है, मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, अभी पावर ऑन हो गया। पावर होने के ऑन होने के बाद ये ऐसा पोर्ट्रेट मोड में ये मोबाइल पहले से ही ऐसा रहेगा। उसके बाद आप उसका जो डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो स्विच है नीचे ट्रिगर स्विच, आप इसको 3 times प्रेस करेंगे। और इसके बाद इसके साइड में 2 जूम रॉकर्स है, मतलब आप इसका जो भी आप रेयर कैमरा और वीडियो कैमरा में कुछ भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो अगर जूम करना चाहते हैं तो इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके लिए जूम रॉकर साइड में दिया गया है। तो अभी हम देखेंगे इसके फ्रंट साइड में क्या क्या बटन्स है। पहले ये है एक मोड स्विच जो कि आपको विदाउट ऐप, इसमें जितने भी मोड्स है शायद 6 modes है, अभी फिजिकली 4 modes दिया गया है इसके अंदर और ऐप के अंदर और 2 mode है, तो ये 2 mode इन जनरली हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये क्या किया ना, ये जो 4 mode है ये पहले से आपको फिजिकली दे दिया है एक गिम्बल पे। ये हो गया मोड स्विच। और इस मोड स्विच पे क्या क्या है, इसमें है पैन फॉलो मोड, उसके बाद लॉक मोड, उसके बाद फॉलो मोड, एंड इसके बाद है POV मोड। अगर POV मोड को और एक बार प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होता है ना, उसका ऑपरेशन मैं बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया आपका ये 4 mode। ठीक इसके नीचे एक है रेड कलर का शटर बटन, ये है एक मल्टी फंक्शन बटन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 times प्रेस करेंगे तो ये फोटो एंड वीडियो मोड में शिफ्ट हो जाएगा, अगर 3 times प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, फ्रंट एंड बैक कैमरा में स्विच होगा। अगर सिंगल प्रेस करेंगे इसको तो ये फोटो या वीडियो क्लिक करना मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप हो जाता है। तो बेसिकली ये इसका 3 functions है। और ये साइड में ये एक जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक में क्या है, आपको किसी भी एंगल में और किसी भी डायरेक्शन में मोबाइल को आपको आपको घुमाना है तो आप इसको घुमा सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस मोबाइल का जो स्टॉक कैमरा है इसके साथ इस गिम्बल को मैं यूज़ करूँगा और देखूँगा कि क्या क्या बटन्स और क्या क्या फंक्शंस इसमें काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको भी स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैंने इसका क्या किया ना, इसका जो स्टॉक कैमरा ऑन किया, ऑन करने के बाद मुझे एक चीज़ चेक करना है, इसका जो जूम है और ये जो शटर बटन है ये स्टॉक कैमरा में काम करता है कि नहीं। तो पहले क्या करूँगा, मुझे वीडियो मोड में जाना है और वीडियो मोड में जाने के बाद ये जो रेड कलर का जो बटन है इसको मैं एक बार प्रेस करता हूँ। प्रेस करने से क्या होता है कि ये स्टार्ट या स्टॉप हो जाता है। तो मैं अभी इसको सिंगल प्रेस करता हूँ, कोई फंक्शन नहीं है। डबल प्रेस करता हूँ तो भी कोई इसका फंक्शन नहीं है, और ट्रिपल प्रेस भी करता हूँ तो भी इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। और साइड में जो इसका जूम स्विच है, मैं अगर इसको जूम करता हूँ तो ये जूम भी नहीं हो रहा है। तो और ओनली आप क्या कर सकते हैं, ये जो जॉयस्टिक है ये जॉयस्टिक के थ्रू ही इसको आप रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी करना है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था कि इसका जो ये मोड स्विच है, ये जो मोड स्विच है, ये मोड स्विच में आपका लास्ट में जो POV मोड है, इस POV मोड को आप और एक बार प्रेस करने से क्या होगा का इसका और एक मोड एक्टिवेट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कैमरा है 360 डिग्री तो नहीं, अप टू 270 डिग्री तक ये आपका रोटेट हो सकता है। तो मैं आपके अब करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी जॉयस्टिक को अप एंड डाउन करना है, जब आप अप करेंगे ये ऐसा रोटेट होता है, ऐसा रोटेट होता है, और डाउन करेंगे तो फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो ये है इसका
फंक्शन जो कि विदाउट ऐप में ये काम करता है, क्योंकि फिजिकली आपका जो ये चार मोड बटन्स दे दिए हैं तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा विदाउट ऐप इस मोबाइल गिम्बल का यूज किया है, और अभी हम यूज करेंगे इसका ऐप। तो चलिए इसका जो ऐप है अभी हम इसको ओपन करते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में एक कैमरा का सिंबल दिखाई देगा और राइट साइड में एक बुक का सिंबल दिखाई देगा। अगर राइट साइड में आप जाएंगे तो उसका मैनुअल वीडियोस कुछ ऐसा है, आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में ये जो कैमरा का सिंबल है उस पर आप टैप करेंगे तो ये आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल ये गिम्बल के साथ कनेक्ट हो जाएगा थ्रू ब्लूटूथ, और ये आपको पूछेगा कनेक्ट करने के लिए, तो आपको कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो गया है और इसका जो मॉडल नेम है डिटेल सारा आ जाएगा। तो अभी इसका जो स्क्रीन पे जो डिटेल्स आ रहा है, नीचे लाइव मोड है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है, और पैनोरामा मोड है, डॉली जूम है, और टाइम लैप्स है, हाइपर लैप्स है, इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अभी हम क्या करेंगे ना, टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स ये तो सब, और डॉली जूम ये तो सब हो जाएगा, और पैनोरामा वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका जो वीडियो मोड है और फोटो मोड क्या किया ना, वीडियो मोड ऑन कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा ना, एक सिंगल प्रेस करके इसका वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। वीडियो स्टार्ट हो गया है अभी। अभी क्या करूँगा, ये साइड में जो जूम रॉकर है इसको मैं जूम आउट या जूम इन करने के लिए कोशिश करता हूँ। हाँ, इजीली अभी हो रहा है, जो कि पहले स्टॉक कैमरा में नहीं हो रहा था, ये चीज़ इधर भी हो रहा है। और सेकेंडली क्या है, अगर आपको वीडियो और फोटो मोड में ऑन ऑफ करना है, मतलब अभी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है उसको मुझे ऑफ करना है, तो सिंगल प्रेस करूँगा ये ऑफ हो गया है। अगर मैं उसको टू टाइम्स प्रेस करूँगा ये फोटो टू वीडियो मोड में ये शिफ्ट हो रहा है, और अगर थ्री टाइम्स प्रेस करूँगा ये क्या कर रहा है ना, फ्रंट और बैक कैमरा में स्विच हो रहा है। तो ये जो सारा फंक्शन है वो आपको विदाउट ऐप मीन्स आपका जो स्टॉक कैमरा है इसमें नहीं होता था। तो इसके लिए ये जो सारा फंक्शन है इसको यूज़ करने के लिए आपको इसके अंदर आना पड़ेगा, मतलब इसका ऐप आपको यूज करना पड़ेगा। और एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, अगर आपने वीडियो ऑन कर चुके हैं, मतलब आप फ्रंट कैमरा में या बैक कैमरा में वीडियो ऑन करके वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो स्विच करने के लिए, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम के आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा के अंदर आपको स्विच करना है, तो आप इसमें स्विच नहीं कर सकते हो। और ये गिम्बल का एक अच्छा फीचर है इसका फॉलो मोड। तो फॉलो मोड में क्या होता है, अगर पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके स्क्रीन के ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे उस सब्जेक्ट को ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गया, मैं जब ऊपर जाता हूँ तो ये ऊपर जाता है, मैं जब नीचे आता हूँ तो ये नीचे आता है, जब साइड में जाता हूँ ये तो साइड में आता है, अगर इस साइड में जाता हूँ तो ये इस साइड में आता है। ये जो फीचर है ये आपको थोड़ा स्लो करना होगा, अगर आप फास्ट करेंगे तो ये आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, फिर से ये आपको जो सब्जेक्ट है वो छोड़ देगा, उसको वो फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास iOS है तो उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि आपका जो रिजोल्यूशन हो गया वीडियो का और या फ्रेम रेट हो गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड के साथ आपका जो वीडियो रिजोल्यूशन है वो आप 1080 या 720p में स्विच कर सकते हैं, और आपका जो फ्रेम रेट है ये 30fps और 20fps, बस ये ही आपको, इतना ही लिमिटेशन इसमें मिलता है और ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। और ये है डॉली जूम, जो कि डॉली जूम में भी दो ऑप्शन है, आपका जो बैकग्राउंड है वो जूम होता रहेगा, मतलब वो जूम इन और जूम आउट, ये दो फंक्शन है, और इसके साथ भी हो रहा है, मैंने भी टेस्ट किया था, लेकिन इतना स्मूथ नहीं हो रहा है, आपको बहुत सारा मशक्कत करना पड़ेगा ये करने के लिए। उसके बाद टाइम लैप्स और हाइपर लैप्स ये बहुत ईजिली और स्मूथली होता है। और उसके बाद एक स्मार्ट ऑप्शन है, अगर इसको आप ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल का जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ, और इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट साइट में है, अगर आपको कुछ भी टेम्पलेट्स यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए कि मुझे ये वाला टेम्पलेट्स यूज़ करना है, ये वाला टेम्पलेट्स यूज़ करना है, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और इधर अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद क्या करेगा, ये 3.9 सेकेंड्स, ये 3.7 सेकेंड, ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको अभी ये शटर बटन को ऐसे ऑन करता हूँ, ये क्या करेगा ना, उसके हिसाब से ये रिकॉर्डिंग करेगा। ये हो गया एक, अगर आपको यूज़ करना है ऐसा टेम्पलेट्स यूज करके, आपको एक वीडियो बनाना है और आपके इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जो हैंडल्स में आपको पोस्ट करना है, तो जस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये जो चार पार्ट में वीडियो है वो चार पार्ट में आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके आपका एक पूरा वीडियो एक बना के दे देगा आपको, वो चाहे तो आप आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर या कोई भी सोशल मीडिया पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
और फाइनली मेरा कंक्लूजन ये है, अगर आपको एक बजट रेंज में मतलब 6 to 7,000 के अंदर कोई भी अच्छा गिम्बल लेना है और आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जीवन का स्मूथ Q3 आप ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं। अगर आपके पास iOS है तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा, ये भी अच्छा है, लेकिन आपको मैं DJI रेकमेंड करूँगा। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसके साइट में एक मतलब चार्ज करने के लिए एक टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, और ये जो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं लेकिन एज ए बैटरी बैंक यूज नहीं कर सकते, जो कि DJI में था, वो एक बेस्ट ऑप्शन था। और इसका बैटरी बैकअप ये क्लेम कर रहा है 15 आवर्स, आई थिंक होगा क्योंकि मैं भी इसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसका बैटरी का मुझे कोई इशू नहीं है अभी तक। तो शायद मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।